हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे कुछ शास्त्र की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बहुत बिगिनर हैं, जिन्होंने संगीत के शास्त्र को जाना नहीं है, वो बहुत लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछते रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वादी और संवादी की। राग के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले वादी और संवादी का बहुत महत्व रहता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे अनुवादी, विवादी, न्यास स्वर इत्यादि। तो इन स्वरों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात इसमें होनी चाहिए वादी स्वर की। कई लोग पूछते हैं कि वादी स्वर क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या होता है, किसी राग का कोई स्वर वादी होने से उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो वादी का क्या करना होता है। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं आज वादी संवादी स्वरों की। तो सबसे पहली बात यह है कि राग में जो जितने भी स्वर लगते हैं, कुछ कुछ स्वर वर्जित भी होते हैं जो कि राग में आते ही नहीं है बिल्कुल, जैसे भोपाली में म और नी नहीं आते हैं, सिर्फ सारे ग पद सा आता है, ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं। तो राग में जो स्वर लगते हैं उनमें से जिस स्वर पर सबसे अधिक जोर रहता है, अथवा तो जिसका प्रयोग सबसे अधिक या बार बार किया जाता है, आलाप भी करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा रुकाव करते हैं, ठहराव करते हैं, उस स्वर को वादी कहते हैं। हर एक राग में सिर्फ एक ही वादी स्वर होता है जिसका बहुत महत्व होता है, जैसा कि अभी बताया। उसी स्वर का बार बार प्रयोग करने से ये राग खिलता है और राग पहचान में भी आ सकता है कि हाँ ये राग होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्वर वाले कभी कभी दो, कभी कभी तीन तीन राग भी होते हैं। वादी स्वर से हम तुरंत जान सकते हैं कि ये राग, ये वादी होने के कारण ये राग होना चाहिए। जैसे भोपाली में ग वादी है, आप बार बार ग दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये भोपाली राग चल रहा है। बाकी ऐसे ही स्वर जैसे सारे ग पद सा, अगर आप ध को बार बार दिखाएंगे तो राग देशकार लगेगा। भोपाली और देशकार के सेम स्वर है, सारे ग पद सा सा ध वगैरह सा, लेकिन भोपाली में वादी स्वर ग है। तो जब जब आप बार बार वादी दिखाएंगे, बार बार ग स्वर दिखाएंगे, बार बार ग के ऊपर आप ठहराव करेंगे, ग के ऊपर अधिक जोर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये भोपाली राग है, देशकार नहीं है। वादी संवादी स्वर के बारे में एक शास्त्रों में एक श्लोक भी है जो कि मैं आपको सुनाई देता हूँ। वादी स्वरस्तु राजा, श्यान मंत्री संवादी संगीत, स्वरो विवादी बैरी, स्यादनुवादी च मृत्युवत। अर्थात जो वादी स्वर को, अगर राग को हम राज्य समझते हैं कि वादी स्वर को हमको राजा समान मानना चाहिए। अगर एक राग है, राग का जो पूरा विस्तार है वो एक अगर राज्य है, तो उस राज्य का जो राजा है वो वादी स्वर है। संवादी स्वर को मंत्री के समान माना जाता है, यानी कि वादी के अतिरिक्त जो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक महत्व वाला जो स्वर होता है वो संवादी स्वर कहा जाता है। जैसे भोपाली में ग वादी और ध संवादी है, और यमन राग में ग वादी और नी संवादी है। भोपाली में ग ध और यमन राग में ग नी वादी संवादी है। तो यहाँ जो संवादी दूसरा स्वर है उसका महत्व वादी से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा महत्व होता है और वो राग में मंत्री के समान माना जाता है। विवादी स्वर को बैरी यानी दुश्मन के समान, यानी विवादी स्वर तो राग का बैरी है, विवादी स्वर कभी नहीं लेना चाहिए ताकि राग का क्षय हो, राग का भंग हो। और बाकी जो स्वर हैं वो सारे अनुवादी स्वर हैं, जो राग में वादी संवादी के अलावा जितने भी बाकी स्वर लगते हैं वो सब अनुवादी हैं, और अनुवादी स्वर को सेवक के समान समझना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि अनुवादी स्वर जो कि सेवक के समान है। यहाँ पे विवादी स्वर को बैरी यानी दुश्मन शत्रु माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रागों में कुछ कुछ स्वर कभी कभी किंचित लिए जाते हैं, जिससे राग बिगड़ता नहीं है लेकिन राग की शोभा में थोड़ी और वृद्धि होती है, तो उस तरह लिए जाने वाले स्वर को विवादी स्वर कहते हैं।
मैं आगे आपको बताऊंगा कि विवादी स्वर कौन से राग में कैसे किस प्रकार होते हैं। तो जो संवादी स्वर है वो राग का सहायक और वादी का सहायक स्वर होता है। वादी के साथ साथ कभी कभी इसको भी दिखाया जाता है, ज्यादा दिखाते हैं लेकिन वादी जितना नहीं। इसीलिए संवादी स्वर को मंत्री की पदवी दी गई है। खासकर ये बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि वादी और संवादी स्वर आसपास में अगल बगल में नहीं हो सकते कभी कभी, कभी भी। वादी और संवादी स्वर के बीच चार या पांच स्वर का अंतर होना ही चाहिए, यानी सा म संवाद या सा प संवाद एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। अगर वादी सा है तो संवादी म या म से ऊपर का कोई भी स्वर होगा। अगर वादी सा है तो रे ग संवादी नहीं हो सकते। इसमें सप्तक का पूर्वांग और उत्तरांग का रोल होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अभी हम बात करते हैं विवादी स्वर की। तो विवादी स्वर का मतलब बिगाड़ पैदा करने वाला, इसीलिए इसको शत्रु की पदवी दी गई है, राग का शत्रु है। लेकिन कभी कभी रागों में वो मिठास ला भी सकता है और उसको अत्यंत कौशल्यपूर्वक ही यूज करना चाहिए और बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्विंचित कभी कभी ही उसको लेना चाहिए। जैसे कभी कभी यमन राग में दो गंधार के बीच शुद्ध मध्यम कभी कभी लिया जाता है, ग म ग इस तरह से, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा ले लिया तो राग बदल जाएगा, वो राग हो जाएगा यमन कल्याण। हम सिर्फ यमन राग की बात कर रहे हैं। जैसे देश राग है उसमें कोमल गंधार वर्जित है, लेकिन कभी कभी ऊपर के सप्तक में कोमल गंधार ले लिया जाता है राग की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल से। थोड़ा सा कोमल गंधार आया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ कोमल गंधार का यूज थोड़ा सा हुआ है और वो राग को बिगाड़ता नहीं है लेकिन थोड़ी सी रंजकता वृद्धि भी कर सकता है। अब आपको लगता होगा कि अगर राग के लक्षण बनाए गए हैं तो उसमें वादी संवादी मुख्य या सहायक स्वर रखने का मतलब क्या है। तो मुख्य या सहायक स्वर रखने का मतलब पहले तो मैं एक बता चुका हूँ कि अगर समान स्वर वाले राग है तो हम राग पहचान सकते हैं वादी से। और दूसरा उसका जो महत्व का उपयोग है वो है राग का समय जानना। कौन सा राग कौन से समय पे गाया या बजाया जा सकता है वो हम वादी से जान सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। रागों का समय विभाजन करने के लिए राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी है ये समझना जरूरी है। और उत्तरांगवादी या पूर्वांगवादी राग समझने के लिए सप्तक का पूर्व भाग क्या है और उत्तर भाग क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे सप्तक है ऊपर का सा जोड़ने से आठ स्वरों का, सारे गम पदनी सा, तो बीच में से उसके दो भाग कर दे तो सारे गम एक हो गया, पदनी सा दूसरा हो गया। तो सारे गम को पूर्व भाग मानना चाहिए और पदनी सा को उत्तर भाग मानना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और भी है। कभी कभी सा म संवाद और सा प संवाद को बरकरार रखने के लिए किसी किसी राग में जहाँ म वादी है वहाँ सा को संवादी लिया गया है तो दोनों पूर्वांग में हो जाते हैं। इसके लिए ऐसा माना गया है कि सारे ग म प तक हमने पूर्व भाग को ले लिया और पदनिशा के बदले म से शुरू कर म प धनिशा इसको हमने उत्तर भाग लिया। तो राग सप्तक का पूर्व भाग क्या होगा, अब सा रे ग म प, और सप्तक का उत्तर भाग हुआ म प ध नि सा। ये पांच स्वर, पूर्व भाग में भी पांच स्वर, उत्तर भाग में भी पांच स्वर। अब जब हम वादी संवादी तय होता है राग का, तो अगर वादी म या प में से कोई हुआ तो उसका साम संवाद या सा प संवाद को यथावत रखने के लिए ये पांच पांच स्वरों का जो पूर्व भाग उत्तर भाग लिया गया है इसका महत्व यहाँ समझ में आने का। अब देखिए गाने के समय की हम बात करें
तो उसमें एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है, उसमें भी पूर्व भाग और उत्तर भाग दो भाग कर सकते हैं। जैसे सप्तक का हमने दो भाग किया, सारेगामा प और मपदनिशा, तो पूरे दिन जो 24 घंटे हैं उसके भी हम दो भाग कर लें। तो पूर्व भाग किसको कहते हैं, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो समय है उसको पूर्व भाग कहते हैं, और रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का जो समय है उसको उत्तर भाग कहते हैं। अब देखिए, पूर्वांगवादी राग का वादी स्वर पूर्वांग में ही रहता है और उत्तरांगवादी राग का वादी स्वर उत्तरांग में रहता है। पूर्वांगवादी राग दिन के पूर्व भाग में गाया जाता है, यानी दोपहर में 12 बजे से रात को 12 बजे के बीच में गाया जाता है। अब देखिए, एक दो एग्जांपल देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। भूपाली और यमन बहुत जाने पहचाने और बिगिनर्स के लिए बहुत बेसिक राग है। तो भूपाली में वादी स्वर है ग, ग हुआ राग का सप्तक का पूर्व भाग, यानी पूर्वांग में हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि भोपाली राग जो है वो पूर्वांगवादी राग है, उसको दिन के पूर्व भाग में गाया जाना चाहिए, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में। तो भोपाली का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी रात को 7 से 9 बजे के बीच बीच में करीब करीब गाया जाता है। इसी तरह यमन का भी वादी स्वर ग है, वो भी पूर्वांगवादी राग है, वादी स्वर पूर्व भाग में है, और उसका भी गाने का समय दिन के पूर्व भाग में, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में, यानी के रात्रि के प्रथम प्रहर में रात को 7 से 9 के करीब करीब गाया बजाया जाता है। तो भूपाली और यमन दोनों इस प्रकार के राग हुए, जो कि पूर्वांगवादी है, जिसके वादी भी पूर्व में है और उसका गायन का समय भी दिन के पूर्व भाग में है। तो वादी ज्ञात होने से हमको ये पता चलता है कि ये राग इस समय गाया जाना चाहिए। देखिए, भूपाली के ही स्वर वाला दूसरा राग समझे हम। भूपाली राग पूर्वांगवादी राग है, उसका वादी स्वर पूर्व भाग में यानी ग है, और दिन के पूर्व भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में, शाम को 7-9 बजे के बीच में गाया बजाया जाता है। अभी इसी भूपाली के स्वर सा रे ग प द सा, लेकिन अगर इसका वादी हमने चेंज कर दिया, वादी ध कर दिया, संवादी ग कर दिया, राग का नाम भी बदल गया, राग हो गया देश का, गाने का समय भी बदल गया, गाने का समय हो गया प्रातः काल सुबह 7 से 9 के बीच में। तो देखिए, भूपाली तो आपने बहुत सुना समझा होगा, अब देशकार का एक झलक देख लीजिए, इसमें ध बार बार दिखाते हैं, कैसे देखते हैं। भूपाली के ही स्वर है सारे ग पद सा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ध को बार बार दिखाया गया है, ध पे ठहराव ज्यादा है, सा ध सीधे सा से ध पे जाते हैं, सा ध प ग प ध प ग प ध द सा ग सा ध प ग प ध राग देशकार। देखिए, वादी बदलने से देशकार हो गया। अभी इसी में आप भूपाली करना चाहे, वादी ग करिए, सा रे ग ग रे ग प ध प ग रे ग सा ध सा रे ग ग रे ध सा रे ग, ये हो गया भूपाली।
तो ये सिंपल समझ है, जब वादी बदल जाता है तो राग भी बदल जाता है, भले ही सेम स्वर हो दोनों में, और गाने का समय भी बदल जाता है। गाने का समय वादी के ऊपर आधारित है। वादी अगर पूर्वांग में है तो गाने का समय भी पूर्व भाग में यानी दोपहर के 12 के रात के 12 के बीच में होगा। अभी उत्तर भाग यानी ध वादी है अगर देशकार राग में, तो गाने का समय भी उत्तर भाग में यानी रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे के बीच में, यानी कि इसका गाने का समय देशकार का गाने का समय सुबह सुबह प्रातः काल में है। तो ये मेन बात है, वादी और संवादी का जो उपयोग है गायन समय नियत यानी निश्चित करना। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, जैसे भैरवी में म वादी है तो उसका गाने का समय क्या होना चाहिए। देखिए म है वो पूर्व भाग में है, सारे ग म को, तो म पूर्व भाग में है तो उसका गाने का समय दिन के पूर्व भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में होना चाहिए, लेकिन भैरवी का गाने का समय तो प्रातः काल है। तो यहाँ म को हम सारे ग म प मपधनिशा इस तरह से, इसको भैरवी राग का वादी स्वर म है तो उसको मपधनिशा वाले दूसरे भाग में लेते हैं, उत्तरांग में लेते हैं, और वादी स्वर संवादी स्वर सा है जो कि पूर्व भाग में सा लेते हैं। तो जैसे कि भैरवी का वादी स्वर म है और उसको हम दूसरे भाग में यानी मपधनिशा वाले भाग में लेते हैं यानी उत्तरांग में लेते हैं, इसलिए भैरवी का गाने का समय उत्तरांग दिन के उत्तरांग में यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, मतलब कि प्रातः काल में है। इस तरह से हम समझें तो ये समझ सकते हैं कि राग में वादी संवादी का क्या महत्व है। एक तो वादी स्वर बहुत महत्वपूर्ण, ज़्यादा गाने बजाने वाला, ज़्यादा ठहराव करने वाला, बार बार दिखाने वाला स्वर है वादी। दूसरा, वादी स्वर को ज्ञात करने से हम राग का गाने का समय पूर्व भाग में होगा या उत्तर भाग में होगा वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, राग का जो वादी स्वर होता है उसकी राग के ही भिन्न भिन्न स्वरों के साथ संगतियां की जाती है। जैसे मैंने अभी भोपाली में थोड़ा सा गा के बजा के बताया, तो अब हम बात करें चलो थोड़ी बिहाग की। तो बिहाग में ग वादी है, ग को कौन से स्वर के साथ संगतियां करके ग के ऊपर ठहराव देते हैं, ग को बार बार दिखाते हैं, देखिए। ये बिहाग राग का थोड़ा सा आलाप मैंने बजाया, देखिए इसमें ग कितनी बार बताया है गया है, कितना लंबा उसके ऊपर ठहराव किया गया है, और कौन कौन से स्वर के साथ इसकी संगतियां बनाई गई है। नी सा ग सा, नी सा ग म ग सा, ग म प म प ग म माप, यहाँ माती रहे माप ग म ग सा, ग म प नी प ध मा प ग म ग, नी सा ग म प मा प ग म ग सा नी प नी सा ग। तो ये इतना बिहाग राग का हमने आलाप किया, देखिए कितनी बार और स्वरों के मुकाबले ग का प्रयोग कितनी बार हुआ, आप समझ सकते हैं।
इसी तरह मारवा राग में कोमल रे वादी स्वर है, तो उसमें बार बार कोमल रे पे आया जाता है। सा लेने से भी ज्यादा उसमें कोमल रे लेते हैं ताकि एक इंतजारी रहती है कि कब सा आएगा कब सा आएगा। इतनी ज्यादा उसमें कोमल रे की प्रचुर मात्रा रहती है। देखिए थोड़ा सा करुण प्रकृति का राग है मारवा। कोमल रे पे ज्यादा हमने ठहराव दिया। मारवा के बारे में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि इस राग में खड़े स्वर लगते हैं। मींड गमक का ज्यादा ज्यादा क्या बिल्कुल यूज नहीं होता है। सा नी रे गा रे ग मा रे गरे नीरे सा, इस तरह से खड़े स्वर लगते हैं। मींड का कर्ण स्वर का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कोमल रे ज्यादा और बार बार दिखाया जाता है, ठहराव भी ज्यादा करते हैं। तो ये महत्व हुआ वादी स्वर का। अगर इसी स्वरों में हम कोई दूसरे स्वर पे अगर ठहराव दे दें तो मारवा पुरिया और सोहिनी में स्वरों में कोई अंतर नहीं है। यही स्वरों को हम अगर ऊपर वाले सप्तक में बजाएं तो सोहिनी बन जाएगा। वही स्वर है मारवा वाले ही, लेकिन ऊपर के सप्तक में बजाएं। देखो यहां सोहिनी बन गया। सिर्फ वादी बदलने से राग का प्रकार राग का नाम बदल जाता है। और भी समानता वाले रागों में बिंपलासी राग में म वादी है, धनाश्री राग में प वादी है। दोनों राग के स्वर समान प्रकार के हैं। ग नी कोमल, निशा गम पनीसा, सानी दप मगरेसा। लेकिन यहाँ बिंपलासी में म वादी है, कभी कभी सम भी ज्यादातर म के ऊपर ही दिया जाता है, और धनाश्री राग में प वादी है। तो ये मैंने वादी स्वर राग में राग के लक्षण में नियत करने का जो महत्व है, वादी स्वर क्यों रखा जाता है राग में, उसका मैंने आपको कारण बताया, वादी का परिचय दिया। फिर भी एक बार समअप कर लेते हैं वादी राग में क्या क्या रूप दिखाते हैं। तो राग रूपी राज्य में वादी स्वर को राजा माना जाता है। वादी को जीव स्वर या अंश स्वर भी कहा जाता है। कई बार वादी स्वर से गायन की शुरुआत की जाती है, या तो गायन का अंत भी वादी स्वर पे किया जाता है। वादी स्वर को बार बार दिखाया जाता है, वादी स्वर के ऊपर ठहराव किया जाता है, और काफी अन्य स्वरों के साथ वादी स्वर का स्वर समूह बना के उसकी संगति दर्शाई जाती है। एक ही स्वर वाले दो रागों में वादी से हम राग का नाम पहचान सकते हैं, राग का गायन समय भी पहचान सकते हैं। राग पूर्वांग वादी है या उत्तरांग वादी है वो भी वादी स्वर को जानने के बाद हम तय कर सकते हैं। रागों का गाने का समय भी हम वादी स्वर को जानने के बाद तय कर सकते हैं। कभी कभार रागों का स्वर समूह हम सुनते हैं तो सुन के भी कहाँ पर ज्यादा ठहराव बताया गया है उसके ऊपर से हम राग का नाम ज्ञात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गायक कलाकार या वादक कलाकार कौन सा राग प्रस्तुत कर रहा है, अपने मन में भ्रांति रहती है कि ये राग हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन जब आप वादी स्वर कौन सा है वो पहचान जाएंगे स्वर समूह के आधार पर, तब आप तय कर पाएंगे कि हाँ ये राग है और
हम राग को इस वादी के स्वर के ऊपर से पहचान सकते हैं। राग का जो पूरा सौंदर्य है वो वादी स्वर के ऊपर आधारित है। राग का विस्तार में जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा आप सौंदर्य दिखाते हैं, वो सारा सौंदर्य अगर वादी स्वर को कैंसिल कर दें, वादी स्वर को ना दिखाएं बार बार, और सारे स्वर को समान रूप से दिखाएं, तो राग का सौंदर्य नहीं दिखेगा। तो राग वादी स्वर का ये महत्व होता है राग में। अब बात करते हैं विवादी स्वर की। तो विवादी स्वर के बारे में एक श्लोक है शास्त्र में, विवादी तु सदा त्याज्य क्वचित्तानु क्रियात्मकः। विवादी स्वर सदा त्याज्य है राग में, कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्वचित अगर क्रियात्मक रूप से उसको लिया जाए और उससे राग की रंजकता बढ़ती है, तो कभी कभार कौशल्य के साथ लेना चाहिए। दूसरा एक श्लोक है, सप्रमाण युतो रागे विवादी रक्ति वर्धकः यथेशत कृष्ण वर्णेन सुब्रस्याति विचित्रता। सप्रमाणमय विवादी स्वर को अगर रंजकता बढ़ाता है तो ही तभी कुशलता के साथ लेना चाहिए। वो राग में थोड़ी विचित्रता पैदा करता है, लेकिन फिर भी अगर रंजक लगता है तभी लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में केदार राग में कोमल नी वर्जित है, शुद्ध नी लिया जाता है, लेकिन कभी कभी उसमें कोमल नी भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत कौशल्य के साथ किया है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कोमल नी स्पष्ट पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य राग का अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से कोमल नी लेंगे तो नहीं चलेगा। ये कोमल नी लिया तो ये नहीं चलेगा, यहां स्पष्ट रूप से दिख गया है। इतना नहीं, बहुत कम लेना है और कौशल्य के साथ लेना है। देखिए म प ध नि प म ब द ब म स रे सा। अब विवादी स्वर के बारे में बात करते हैं राग भैरवी की। भैरवी राग में वैसे तो माना जाता है कि रे ग ध नी चार स्वर को मिलाता है, सा सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो ये भैरवी राग है, रे ग ध नि चारों स्वर को मनाते हैं। लेकिन आजकल भैरवी में विवादी स्वर का इतना प्रचलन हो गया है कि मानो बारहों के बारह स्वर भैरवी में लिए जाते हैं। इसी तरह पीलू में भी बारह स्वर लिए जाते हैं, पहाड़ी में भी बारह स्वर लिए जाते हैं। तो ऐसे काफी राग है जिसमें विवादी स्वर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिया जाता है। आजकल भैरवी बारह स्वरों की ही गाई बजाई जाती है मोस्टली। उसी तरह देश राग में ऊपर के सप्तक में कोमल गंधार विवादी स्वर के रूप में लिए जाते हैं। और अनुवादी स्वर तो मैंने आपको बताया सेवक की तरह है, वादी और संवादी को छोड़ के बाकी जो स्वर है सारे स्वर हैं वो अनुवादी स्वर है। जैसे भूपाली राग में ग वादी ध संवादी,
तो रे प ये सारे स्वर जो बच गए वो सब अनुवादी स्वर है। अब न्यास स्वर कभी कभी राग में माना जाता है, कोई स्वर को न्यास स्वर कहा जाता है। तो न्यास स्वर का मतलब जिस स्वर के ऊपर आप लंबा सा ठहराव कर सकते हैं उसको आप न्यास स्वर कह सकते हैं। कई सारे रागों में वादी स्वर तो न्यास स्वर होता ही है, लेकिन वादी के अलावा भी कोई एक दो स्वर को न्यास स्वर माना जाता है। जैसे अगर आप यमन की बात करें तो नी रे नी रे ग रे ग म प म रे ग सा नी द नी रे ग सा, ये यमन राग हुआ। अब यमन राग में देखिए नी रे ग म प म ध प नी र प म रे ग। तो यहाँ ग तो दिखाते ही है बार बार, वादी स्वर तो ग ही है, लेकिन प के ऊपर भी हम न्यास करते हैं। तो यमन राग में सा ग के उपरांत प भी न्यास स्वर है। तो जिस स्वर के ऊपर हम ज्यादा ठहराव करते हैं वो स्वर को न्यास स्वर कहते हैं। इसके बाद है ग्रह स्वर, जो प्राचीन काल में जाति गायन राग गायन की जगह पे जाति गायन होता था। हम जिसको आज राग कहते हैं उसको पहले के जमाने में जाति गायन कहते थे, जाति गाते थे। तो जाति गायन में जो उसकी लक्षणिकता था राग की, जाति की, उसमें ग्रह स्वर अंश स्वर वगैरह होते थे। तो प्राचीन जाति गायन में जिस स्वर से गान की शुरुआत होती थी उस स्वर को ग्रह स्वर कहते थे, जिस स्वर पे गायन की समाप्ति होती थी उसको न्यास स्वर कहते थे, और जिस स्वर को बार बार दिखाते थे उसको अंश स्वर कहते हैं। जो आज का वादी स्वर है वो पहले के समय में जाति गायन में अंश स्वर माना जाता था। तो स्वरों के बारे में इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दोनों स्वरों को विकृत स्वर कहते हैं, जो मूल अपनी जगह से थोड़ा विकृत होते हुए या तो उतर कर गाए बजाए जाते हैं या तो थोड़ा चढ़ा कर गाए बजाए जाते हैं। तो जो स्वर कोमल है वो अपने मूल स्वर से थोड़ा सा उतार कर उसकी जो श्रुति है कम करके, यानी उसकी आंदोलन संख्या कम करके गाया जाता है। जैसे रे को गाते हैं तो उसका उसको थोड़ा उतार कर गाते हैं तो उसको कोमल रे कहते हैं। ऐसे चार स्वर कोमल हो सकते हैं, रे ग ध नी, और एक स्वर ऐसा है जो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर का बजा सकते हैं, गा सकते हैं, वो है म, तो उसको तीव्र म कहते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, सारे, तो ये शुद्ध रे हुआ, अब कोमल रे। ये कोमल रे हुआ। तो इस तरह से अपनी जगह से थोड़ा उतार कर जिसको गाते हैं वो कोमल स्वर है। तो एक स्वर थोड़ा सा चढ़ा के गाते हैं वो एक ही हो सकता है, वो म है, वो तीव्र म कहलाता है। तो स्वरों के बारे में आज आपको इतनी समझ आ गई होगी, क्या है वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, न्यास स्वर, ग्रह स्वर, अंश स्वर, इसके उपरांत कोमल स्वर, तीव्र स्वर, विकृत स्वर, इसके बारे में आज आपको समझ दी है। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और एपिसोड लेके संगीत के शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे नियम के अनुसार हर एक एपिसोड के अंत में हमने एक फिल्मी गाना भी आपको सुनाने का तय किया है। तो आज भी मैं एक गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये फ्लूट है मेरे पास काली एक, यानी सी शार्प की। मैं इसके मध्यम म से सा बनाकर ये गाना बजा रहा हूँ। ये गाना है पहाड़ी राग में। तो पहाड़ी राग कई दफा म को सा बना के गाया बजाया जाता है, तो इस बार मैं ये म को सा बनाकर फिर ये सी शार्प की बांसुरी पे बजाता हूँ। जब सी शार्प की बांसुरी पे म को सा मान के हम गाना बजाते हैं तो वो सा हो जाएगा काली तीन, यानी एफ शार्प। तो अभी एफ शार्प का सा हो जाएगा म को सा बनाते हैं। तो काली एक की बांसुरी पे काली तीन का गाना, राग पहाड़ी में है, ताल दादरा है, 140 140 BPM की स्पीड में। सुनिए।
सुनिए पहाड़ी राग का ये गाना। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।